21वीं सदी में मेडिकल फील्ड ने तमाम तरक्की कर ली है, हर रोज कोई नए ट्रीटमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके लोग कैंसर या टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों से नहीं बल्कि साधारण खांसी जुकाम के आगे बेबस और लाचार हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे इसकी वजह क्या है। दरअसल दिल्ली के दो बड़े हॉस्पिटल्स ने रिसर्च की है और खुलासा ये हुआ है कि अब जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं फाइट करने के लिए इन बीमारियों को, वो बेअसर हो चली हैं। किसी को एक महीने से बुखार है लेकिन ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, फिर भी उसके साहब से कोई आराम नहीं पड़ता। 3 दिन का भी कोर्स होता है, 5 दिन का भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की खांसी तेज एंटीबायोटिक दवाई लेने के बावजूद ठीक नहीं हो पाई। खांसी है तो उसके लिए डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया हुआ एंटीबायोटिक, बट मैं यूज कर रही हूँ तो मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है उससे। तो कोई बिना जाने ही दवाई खाए चला जा रहा है। एंटीबायोटिक का 5 दिन का कोर्स करने के बाद भी टेस्ट ठीक नहीं होते हो तो फिर आपको स्पिटम बलगम की जांच करानी होगी। इन सबसे बड़ी दिक्कत अब उन मरीजों के लिए आ चुकी है जो गंभीर हालत में अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाए जा रहे हैं। अस्पताल में गंभीर हालत में पहुंचने वाले मरीजों पर अब एंटीबायोटिक दवाएं तेजी से बेअसर हो रही हैं। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में नवंबर 2014 से दिसंबर 2015 के बीच आईसीयू में भर्ती किए गए 234 मरीजों पर रिसर्च की गई। नतीजों के मुताबिक 70% मरीजों पर एंटीबायोटिक दवाओं ने असर नहीं किया, यानी गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच रहे मरीजों के बेमौत मारे जाने का खतरा अब बेहद बढ़ चुका है। नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से जिनको इन्फेक्शन होता है, और रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से जिनको इन्फेक्शन होता है उसमें 2.5 गुना इंक्रीज चांस है डेथ का उन पेशेंट्स में। सो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है और ये अक्रॉस द कंट्री है, और ये प्रॉब्लम देखिए स्टेडिली राइज किया इंडिया में। एग्जैक्टली कोई टाइमलाइन बताना कि इस टाइम इस डेट से ये बढ़ा है ऐसा नहीं, बट लास्ट ऑफ कोर्स लास्ट 8-10 साल में हमने सिग्निफिकेंट स्टेडी राइज देखा है इस चीज में, काफी इंक्रीज किया है लास्ट 8-10 ईयर्स। एंटीबायोटिक दवाएं शरीर में बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन से लड़ने का सबसे असरदार तरीका है, लेकिन बिना जरूरत के दवा खाने पर ये बेअसर होने लगती है। डॉक्टर इन खतरों को जानने के बावजूद मरीज को जल्दी भला चंगा करने की जल्दबाजी में बिना जांच किए ही दवा लिख देते हैं। इस सच की तस्दीक करता है राजधानी के एम्स में हुआ एक सर्वे। एम्स के फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट ने नवंबर 2014 से लेकर दिसंबर 2015 के बीच दिल्ली एनसीआर के 500 डेंटिस्ट का सर्वे किया। सर्वे में पता चला कि 74% डॉक्टर शरीर में बैक्टीरिया की जांच करवाए बिना ही मरीजों को एंटीबायोटिक दवाएं दे रहे हैं। केवल 26% ने टेस्ट के जरिए ये जानने की कोशिश की कि वास्तव में इन दवाओं की जरूरत है भी या नहीं। पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है डॉक्टर्स के लिए और आम जनता के लिए भी, कि छोटी छोटी बीमारी में अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक न लें, और अगर लें तो उसको जहां संभव हो कल्चर सेंसिटिविटी के बाद में लें, और जहां संभव हो उसको उचित मात्रा में उचित ड्यूरेशन तक ही लें। WHO ये चेतावनी दे चुका है कि बिना जरूरत अगर एंटीबायोटिक दवाओं को खाया जाता रहा तो बहुत जल्द दुनिया ऐसे दौर में होगी जब मरीजों का इलाज करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में टीबी जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज असंभव हो जाएगा। कई तरह की सर्जरी और कैंसर का इलाज भी एंटीबायोटिक दवाओं पर निर्भर है। इसके अलावा HIV और मलेरिया की दवाओं के कमजोर होने की चिंता जताई जा रही है। साधारण खांसी और बुखार जैसे मर्ज भी लाइलाज होने का खतरा बना हुआ है। टीबी के लिए हमारे पास फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट सिर्फ 4 ड्रग्स हैं, उसके बाद हम 6-7 ड्रग्स जो हैं बाकी ड्रग्स ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके लिए एक भंडार नहीं है दवाइयों का, तो जो प्राइमरी ड्रग्स हैं जिनको की रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, ये एक काफ़ी गंभीर सिचुएशन हो सकती है अगर हम इस पर ध्यान ना दें कि किस तरीके से कंट्रोल करना है, कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर ड्रग रेजिस्टेंट कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हमने कैसे हैंडल करना है, इनका हमने ट्रीटमेंट किस तरीके से करनी है, कौन से ड्रग्स देने हैं। एंटीबायोटिक के दुरुपयोग से होने वाले खतरे को भांपते हुए सरकार ने 2011 में एंटीबायोटिक पॉलिसी बनाई।
कुछ दवाओं को बिना डॉक्टर की पर्ची के बांटने पर रोक लगाई गई है। हर केमिस्ट के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का रिकॉर्ड रखना जरूरी किया गया, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इंडिया में तो बढ़ रहा है। अभी फॉरेन में कोई मेरा फ्रेंड गया था, उसकी बेटी को कोई थोड़ा सा बुखार हुआ या कोई कोल्ड हुआ, तो डॉक्टर ने कोई उसको दवाई नहीं दी, एक सिंपल सा सिरप दे दिया कि नहीं एंटीबायोटिक मैंने नहीं देना। हमारे इंडिया में वैसे ये जिसके पास भी जाओ सबसे पहले एंटीबायोटिक लिखता है। ज़्यादा प्रिस्क्राइब तो हो ही नहीं है, एक GP जनरल फिजिशियन भी और एक सुपर स्पेशलिस्ट सब लिखते हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं जिनके असूल हैं, वो 3 दिन तक वेट करते हैं। यही वजह है कि एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर केंद्र सरकार सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को जागरूक कर रही है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने देश के 70 सरकारी अस्पतालों के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए कार्यक्रम चलाया है। मरीजों को भी समझाने पर जोर दिया जा रहा है कि अपनी मर्जी से दवाएं ना लें, और अगर दवा लेनी ही पड़े तो एंटीबायोटिक दवाओं की पूरी खुराक लें, बीच में दवा ना छोड़ें। हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम ला रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, टर्सरी केयर में, सेकेंडरी केयर में, कि एंटीबायोटिक्स तभी यूज करें जब जरूरत है, और करें तो पूरी तरह से करें, और कोशिश हो जहाँ पर भी ड्रग सेंसिटिविटी की फैसिलिटी हो वहाँ पर ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करके ही एंटीबायोटिक दें, उसके बिना नहीं दें। एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर केंद्र सरकार की चुनौती कितनी बड़ी है ये WHO के एक सर्वे से पता लगता है। हर आय वर्ग के 150 लोगों और तकरीबन इतने ही फिजिशियंस के बीच हुए सर्वे के मुताबिक खांसी, जुकाम, बुखार या सिरदर्द में 78% लोगों को किसी डॉक्टर की जरूरत महसूस नहीं होती। ये भी पता लगा कि एक परिवार में इस्तेमाल की गई दवा 3 सदस्यों द्वारा आजमाई जाती है। खास बात ये है कि एक डोज के असर के बाद लोग दूसरे समय दवा ना लेना अधिक बेहतर समझते हैं। इन दवाओं को लेकर डॉक्टरों की समझ भी कम है। 17% डॉक्टर जुकाम में भी एंटीबायोटिक देते हैं, जबकि WHO जुकाम के लिए किसी भी तरह की एंटीबायोटिक का सुझाव नहीं देता। अगर आप दवाओं का अधिक इस्तेमाल करते हैं तो जान लीजिए कि विश्व भर की कोई भी फार्मा कंपनी कम से कम अगले 20 साल तक कोई भी नई एंटीबायोटिक दवा तैयार नहीं करने वाली, क्योंकि नया एंटीबायोटिक अभी तक कोई कंपनी खोज नहीं पाई है। पूजा मक्कड़, Zee Media, दिल्ली।